गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अगला अध्याय अध्याय 4 हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जनसंख्या संगठन जो लेसन था वो पूरा कर लिया था, जिसमें जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से बात की थी। आज हम करेंगे कि मानव का जो विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होती है, उसमें किन किन चीज़ों का योगदान होता है, ये क्यों आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या देखेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्र और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना करेंगे। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है, दो शब्द इस लेसन में जैसे हमारे आएंगे। वृद्धि और विकास, अपने आसपास हम जितनी भी वस्तुएं देख सकते हैं अथवा जिनका हम बोध कर सकते हैं, ये सभी बढ़ती और विकसित होते हैं। जैसे हम स्वयं हैं, अब हमारी बॉडी ये तो नहीं है ना जितनी मतलब जन्म के समय थी वैसे ही है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, विचार हैं, विचार भी तो डेवलप होते हैं। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसके विचारों का भी विकास होता है। संबंध है, नगर है और राष्ट्र है आदि का विकास और वृद्धि लगातार चलती रहती है। अब एक बार जान ले कि वृद्धि और विकास है, अब देखने में तो आपको ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इन दोनों में काफी अंतर है। वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि में क्या देखते हैं, मात्रा, क्वांटिटी देखते हैं किसी वस्तु की, कि कितनी मात्रा बढ़ी उसकी, और इसका मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि वृद्धि क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, वो बढ़ भी सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अर्थात इसमें परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि पिछले अध्याय में मैंने आपको बता दिया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। जब जन्म ज्यादा और मृत्यु कम तो जनसंख्या क्या होती है, धनात्मक बढ़ती है, और जब जन्म तो कम होते और मृत्यु दर ज्यादा होती है तो जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक वृद्धि उसके अंदर होती है। वृद्धि का अर्थ आप ये समझ के लें कि जो परिवर्तन होता है किसी निश्चित समय में उसको हम वृद्धि बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि गुणों में वृद्धि होना। उसमें तो मैंने क्या बात की, मात्रा की बात की, लेकिन यहां मैं किसकी बात कर रही हूं, गुणों की बात कर रही हूं, क्वालिटी की बात कर रही हूं, जिसका मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तभी संभव है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो, यानी कि विकास कब संभव है, जब जो अब जो स्थिति चल रही है उसमें वृद्धि होगी तभी तो विकास होगा। विकास उस समय होता है जब वृद्धि सकारात्मक हो, लेकिन सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की गारंटी नहीं देती। अब इसको थोड़ा सा वृद्धि के साथ जोड़ के देखते हैं कि वृद्धि अगर पॉजिटिव है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, कि विकास हो रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सकारात्मक वृद्धि होती है तो विकास की गारंटी। जैसे मैं जनसंख्या की बात कर देती हूँ, आपको अच्छे समझा देती हूँ। अगर जनसंख्या में जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर कम, तो मैंने क्या कहा, धनात्मक वृद्धि है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जनसंख्या बढ़ने से किसी देश का विकास होता हो। विकास तभी माना जाता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। सकारात्मक वृद्धि तो हो लेकिन उसकी गुणवत्ता में हो, ना कि उसकी मात्रा में हो। तो गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान हमें देना। विकास जब होता है तो वो हमेशा गुणात्मक होता है, गुणों में वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है वो हमेशा मात्रा में होती है, तो उसको मात्रा में देखते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, जैसे जनसंख्या की बात की मैंने आपकी ऊपर भी, तो ये तो वृद्धि हुई ना, 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहले जैसी हैं, तो यहाँ विकास नहीं हुआ है। अगर जनसंख्या के साथ साथ वहां के लोगों को सुविधाएं भी मिलती ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि लोगों की वृद्धि भी और विकास भी हुआ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ क्या हुई है, वृद्धि हुई है, विकास तो हुआ ही नहीं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप अपने शरीर का ले सकते हैं कि जैसे बच्चा है, वो उसके शरीर की अगर शरीर अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम विकास नहीं कहते, उसको हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर उसके विचार हैं, उसके उसकी जो जो पढ़ता है, उसका ज्ञान है, वो बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका विकास हो रहा है। तो ये क्या था, वृद्धि और विकास था, जिन दोनों में काफी अंतर। एक में हमने मात्रा को देखा और एक में हमने गुणों को देखा, ना कि मात्रा को देखा। इसके बाद बात करते हैं कि विकास का, क्योंकि हमारा जो अध्याय है वो मानव विकास का ही है, विकास का वैकल्पिक विचार क्या है। विकास की अवधारणा समय के साथ बदली है। लंबे समय तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि और पूंजी के पैमाने से मापा जाता था। यानी कि पहले की अगर मैं बात करूं, जब विकास को देखा गया था तो किस प्रकार से देखा जाता था कि अगर किसी देश में अगर विकास है तो आर्थिक वृद्धि अगर है, लोगों के पास अगर पैसा है, तो उसको क्या कहते थे, विकास कहते थे। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती जाती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। यानी कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट, जितना ज्यादा पैसा उनके पास, उतना ही ज्यादा विकसित। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, वे विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है।
सिर्फ पैसे को ही विकास नहीं माना जाता, बल्कि किसको विकास माना जाता है भाई, लोगों की जीवन की गुणवत्ता है, वो अच्छे प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपने जीवन जीने से खुश हैं और उनको अवसर अच्छे से मिल रहे हैं, वो जो चाहे वो उनको अवसर मिल रहे हैं और उनकी स्वतंत्रता है वो ज्यादा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको विकास का महत्वपूर्ण पक्ष हम कहते हैं इन वस्तुओं को, ना कि अकेले ही पैसे को। इसके बाद बात करते हैं कि मानव विकास की जो अवधारणा है वो कैसे डेवलप हुई, कैसे हुआ, किसने उसकी शुरुआत की। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, ध्यान दे बहुत ही महत्वपूर्ण, इस लेसन का आपका प्रश्न है ये, कौन थे ये, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और डॉक्टर महबूब उल हक इनका नाम था। उन्होंने मानव विकास की कल्पना एक ऐसे विकास के रूप में की जिसका संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से, ये क्या कहते थे, इनके विचार अगर आप सुनेंगे तो ये कहते थे कि मानव विकास तब माना जाएगा जब लोगों के सामने ना ऑप्शन ज्यादा होंगे, विकल्प ज्यादा होंगे, यानी कि उनकी चॉइस उनसे पूछी जाएगी, उनको क्या चाहिए, उनके सामने जैसे चार चीजें रखी जाए तो उनको एक चाहिए उसमें से, तो वो अपनी मर्जी से वो ले सके, तो ये क्या है, ये मानव विकास है। और दूसरे में बात करती हूँ डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, भारत के ही थे ये, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि था, परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। इनका थोड़ा सा विचार अलग था, ये दोनों वैसे काफी अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, विकास क्या है कि स्वतंत्रता में तो वृद्धि हो जाए लोगों के और परतंत्रता में कमी आ जाए, कि उनको फ्री छोड़ दिया जाए, उनको फ्रीडम मिल जाए, स्वतंत्रताओं में वृद्धि विकास को लाने वाला सबसे प्रभावशाली उपाय। दोनों के विचारों को आपको ध्यान रखना है कि महबूब उल हक ने क्या कहा था और अमर्त्य सेन ने, और दोनों ही अगर देखे तो इनको एशियाई अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, इन दोनों ने ही विकास की संकल्पना के बारे में बात कही थी, लेकिन मूल प्रतिपादक किसको कहेंगे हम, महबूब उल हक को कहेंगे। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या होता है वो और देख लीजिए आप, आज का जो प्रश्न नंबर 7 आपका रहेगा उसी का आंसर यहाँ पे है कि मानव विकास का उद्देश्य क्या है। मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। एक चीज को आप याद रखें, सार्थक जीवन यानी कि एक अच्छा जीवन जो वो जीना चाहते हैं, वो जीवन वो जिसके, इसका अर्थ है कि लोग स्वच्छ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें व अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। यानी कि लोग एक तो स्वतंत्र रूप से स्वच्छ हो, एक तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें और अपनी मेहनत से अपने समाज में प्रतिभागिता दिखाते हुए अपने देश का विकास करें। तो ये क्या है, ये मानव विकास का मूल उद्देश्य है। 1990 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। अब एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, 1990 में पहली बार मानव विकास की रिपोर्ट जारी की गई, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जारी हुई थी ये। तो 1990 में ध्यान रखना, मानव विकास की पहली रिपोर्ट जारी हुई थी और इसमें क्या कहा गया था, मानव विकास मनुष्य के आकांक्षाओं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी कि क्या कह रहा है, मानव की आकांक्षाएं, फिर बात वही आते चॉइस की, कि मानव की आकांक्षाएं बढ़े एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया को कहा गया है। उनको अच्छा जीवन जीने के लिए क्या मिले, चीजें मिलती रहे। इस रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ध्यान दें, पक्ष की अगर बात करें तो मानव विकास के 3 पक्ष हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ही रहेगा, मानव विकास के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है दीर्घ एवं स्वच्छ जीवन जीना। क्या पक्ष है, दीर्घ एवं स्वच्छ जीवन जीना। दूसरा, शिक्षा व ज्ञान प्राप्त कर पाना। और तीसरा, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। सबसे पहले तो जब तक व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो कोई चीज उसके काम की नहीं है। शिक्षा ज्ञान तो तब प्राप्त करेगा ना जब वो स्वच्छ होगा, साधनों का प्रयोग भी तभी करेगा। तो सबसे पहली बात कही कि स्वच्छ होना सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य का होना सबसे जरूरी है। इसके बाद उसको शिक्षा और ज्ञान मिलेगा, और शिक्षा और ज्ञान मिलेगा तभी तो संसाधनों का प्रयोग करेगा, साधनों का अच्छे से प्रयोग करेगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति तो साधनों का प्रयोग अच्छे से कर ही नहीं सकता। तो ये तीनों की तीनों आपस में जुड़े और तीनों क्या है, इसके मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण, अब बात तो कर ली हमने साधनों का जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना, लेकिन साधनों का होना के लिए क्षमताओं का निर्माण भी बहुत जरूरी है कि क्षमता कितनी है किसी के पास। आमतौर पर लोगों को दीर्घ और स्वच्छ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति और साधनों को प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। इसका कारण है कि लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं में कमी है। जैसे अमर्त्य सेन की बात से मैं बिल्कुल ही हम संतुष्ट हैं, कि उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, क्षमता और स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है, जब ही जाके मानव का विकास होगा। इसके लिए गरीबी, सामाजिक भेदभाव आदि जिम्मेदार है। यानी कि क्षमताओं को कौन कम करता है, गरीबी और भेदभाव कम करता है। जब लोगों की क्षमताओं का निर्माण नहीं किया जाता तो उन्हें विकल्पों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जब तक
मानव की क्षमता नहीं पड़ेगी उसकी, मतलब एक प्रकार से उसकी उस चीज को प्राप्त करने की क्षमता नहीं पड़ती है। तब तक तो विकल्प कोई काम की नहीं है, उसके विकल्प में वृद्धि हो ही नहीं सकती है। अब किसी व्यक्ति को भूख लगे, उसको भोजन चाहिए और हम कहते हैं कि उसको हमें ड्राई फ्रूट दें, तो ऐसा क्या संभव है? वो भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा तो ड्राई फ्रूट कहाँ से प्राप्त करेगा? तो उसकी क्षमता तो है ही नहीं। क्षमता जब तक नहीं है तब तक विकल्प में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। विकल्पों में वृद्धि किए बिना स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक लोगों की पहुंच संभव नहीं है। अब एक उदाहरण से आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। उदाहरण है कि एक अशिक्षित बच्चा इंजीनियर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित है। अब कोई बच्चा कहते हैं कि उसको इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके पास तो शिक्षा का स्रोत भी नहीं है। जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो इंजीनियर कैसे बनेगा? यानी कि उसके सामने विकल्प था ही नहीं शिक्षा का, तो इंजीनियर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। उसकी क्षमता तो है ही नहीं ना इंजीनियर बनने की। डॉक्टर महमूदुल हक ने भी 1990 में मानव विकास सूचकांक भी बनाया था। एक और बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर महमूदुल हक, उन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है कि कैसे मापेंगे कि मानव का विकास कितना, उसको मापने की एक इकाई थी मानव विकास सूचकांक। इसी सूचकांक का प्रयोग 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो मैंने पीछे बात की थी जिसने डेफिनेशन ली थी इसकी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए भी किया था। यानी कि सबसे पहले जो 1990 में जो UNDP की जो रिपोर्ट आई थी वो किसके आधार पर आई थी? महमूद उल्लाह के HDI जो मानव विकास सूचकांक था उसके आधार पर आई थी और ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1990 में। दो प्रश्न के आपके आंसर रहेंगे यहाँ पे। HDI क्या है, किसने दिया था सबसे पहले, और ये रिपोर्ट जो है वो कब जारी हुई थी सबसे पहली बार। अब आपका जो आप आज का काम रहेगा वो देखें, मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है। अब मैं बात करूं किसने दिया था, तो किसने दी थी? महमूदुल हक ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का स्रोत वर्णन करता है? देखिए ध्यान से देखिए आप, विकास कहाँ पे हुआ है? आकार में वृद्धि, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आकार में स्थिरता, ये भी नहीं। आकार तो जहां पर आ जाएगा वहां पर हम विकास की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गुणों में धनात्मक परिवर्तन और गुणों में साधारण परिवर्तन। आप देखिए साधारण परिवर्तन से विकास नहीं होता है। गुणों में धनात्मक बात की थी मैंने, धनात्मक वृद्धि में मैंने कहा था कि धनात्मक वृद्धि को, सकारात्मक वृद्धि को हम किससे जोड़ सकते हैं? विकास से जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके गुणों में भी वृद्धि होना जरूरी। तो इसका आंसर रहेगा ख। विकास और वृद्धि मंत्र स्पष्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो वहीं से आपको ये करना है विकास क्या और वृद्धि क्या है। मानव विकास की रिपोर्ट कौन जारी करता, संस्था का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब और किसने किया, ये भी अभी हमने करा। मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्ष मैंने बताए, सबसे पहले स्वच्छ होना चाहिए, फिर शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर साधनों का प्रयोग करेंगे। मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है, ये भी हम कर चुके हैं आज। और दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों के नाम बताए जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के लिए कार्य किया। अभी जो हमने किए थे महमूदुल हक और अमर्त्य सेन, उन दोनों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। याद आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहे, इसको अच्छे से उतारे, इसको अच्छे से साथ साथ याद करते हुए चले। थैंक यू।